जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है, इसको हमने कन्याकुमारी में शुरू किया। इसके बाद केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान से ये निकली है और ये श्रीनगर में जाकर जो हमारा तिरंगा है इसको हम श्रीनगर में जाकर लहराएंगे। 3800 किलोमीटर की बीच की दूरी है। शुरू किया था तो हम सबको लगा था कि ये काफी मुश्किल सफर होगा, आसान नहीं होगा। 3700 किलोमीटर चलना आसान नहीं होता है। पहले धूप थी, बारिश हुई, आंधी आई, अब थोड़ी ठंड हो रही है, मगर अजीब बात यह है कि ये सफ़र मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। आप हमारे यात्रियों से पूछिए, जो भी इस यात्रा में चल रहा है, 25-26 किलोमीटर हम चलते हैं, 7-8 घंटे चलते हैं, मगर थकान किसी को नहीं होती। और शुरुआत से मैं सोच रहा हूँ ये इसका कारण क्या है। आमतौर से 5-10 किलोमीटर चलते हैं थकान हो जाती है, मगर इसमें हम 25-26 चल रहे हैं और थकान नहीं हो रही है। इसका कारण है कि आप लोगों ने, हिंदुस्तान की जनता ने इस यात्रा को अपना प्यार, अपना समर्थन और अपनी पूरी शक्ति दे दी है और आपने हमारी मदद की है, हमारा काम आसान बनाया है। तो इसके लिए भी मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। यात्रा का लक्ष्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें अलग अलग संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा करती हैं। इसमें हमारे विधानसभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी, जैसे अभी गहलोत जी ने कहा, मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है, इन सब का काम लोकतंत्र की रक्षा करने का होता है। मगर आज के हिंदुस्तान में बीजेपी ने, आरएसएस ने इन सब को दबा दिया है और इन सब के अंदर अपने लोगों को इन्होंने बैठा दिया है। पार्लियामेंट में हम भाषण करना चाहें, चाहे वो नोटबंदी के बारे में हो, चाहे वो जीएसटी के बारे में हो, किसान बिल के बारे में हो, चाइना जिसने हमारी ज़मीन ले ली उसके बारे में हो, हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं देते। हम चिल्लाते रहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, वीडियो कैमरा हमारी ओर आता ही नहीं। स्पीकर राजस्थान के हैं, लोकसभा टीवी को उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, 24 घंटा उनका चेहरा दिखाते रहते हैं और जो हम कहते हैं वो कोई सुन नहीं पाता है। इसलिए हमने सोचा कि हमारे लिए एक ही रास्ता है, इन सड़कों पे चलकर, आपसे बातचीत कर आपको जो हिंदुस्तान की सच्चाई है वो बताना। तो ये है लक्ष्य यात्रा का। अभी गहलोत जी ने एक बात बोली और मैं उनसे सहमत हूं, मगर मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। गहलोत जी ने कहा कि जो हमारे मीडिया हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो चौथा स्तंभ का काम होता है, जिम्मेदारी होती है, उसको पूरा नहीं कर रहे। वो सही बोल रहे हैं, मगर यहाँ जो हमारे मीडिया के मित्र आए हैं, और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ क्योंकि जो लोग भीड़ में हैं, आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये इनकी गलती नहीं है। ये अपना काम करने की कोशिश करते हैं, ये रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, मगर इनके जो मालिक हैं इन्होंने इनके पीछे एक लगाम सी बांध रखी है, तो ये अपना काम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो गलती इनकी नहीं है, ज़रूर ये थोड़ा और कर सकते हैं और करना चाहिए, मगर इनका कंट्रोलर, इनका रिमोट कंट्रोल, जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वो इनके, देखिए मुस्कुरा रहे हैं ये, वो इनके हाथ में नहीं है, वो इनके जो मालिक हैं उनके हाथ में है
और सरकार में जो आपका दिल्ली में राज करते हैं उनके हाथ में है। तो ये मैं अशोक गहलोत जी की बात को थोड़ा बढ़ावा देना चाहता था। हिंदुस्तान के सामने दो तीन बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और महंगाई का। जो रोजगार देने का सिस्टम है वो जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो लोग देते हैं रोजगार। जो अरबपति होते हैं, तीन चार अरबपति हैं हिंदुस्तान में, वो रोजगार नहीं देते। और जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की, तो जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और सच्चाई आज ये है कि देश अगर चाहे भी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। तो सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने ये है। दूसरा मुद्दा महंगाई है। इंटरनेशनल मार्केट पे पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर जाएं या नीचे जाएं, हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर ही जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिर जाएं, मगर उसका फायदा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को नहीं मिलता। फायदा तीन चार बड़े उद्योगपतियों को मिलता है। आपको याद होगा यूपीए के समय पेट्रोल के दाम 60 रुपए के थे, याद है आपको? याद है, ठीक है, 60 रुपए के थे। आज क्या है? आज 107 रुपए। तो आपको यह सवाल पूछना है कि ये जो पैसा है जो आपके जेब में से निकल रहा है, ये कहां जा रहा है, ये किसकी जेब में जा रहा है? ये देखिए भैया, देखिए आपको ये सब व्यापारियों के जेब में नहीं जा रहा, क्योंकि जीएसटी नोटबंदी ने व्यापारियों के जेब में से पैसा निकाला। ये चुने हुए दो तीन पांच लगा लो, ये चार पांच उद्योगपति हैं हिंदुस्तान में। इनको सब एयरपोर्ट मिलते हैं, रेलवेज इनको मिलेगी, प्राइवेट ये BHEL HEL ये सब जो सरकारी कंपनियां हैं एक एक करके इनको मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ये करते हैं, अनाज का स्टोरेज का काम ये करते हैं, बिजली का पावर जनरेशन का काम ये करते हैं। तो सारा का सारा फायदा इन्हीं चार पांच लोगों को जाता है। आजकल प्रधानमंत्री जी सेना की बात करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इन्हीं चार पांच लोगों को जाते हैं। तो पूरा का पूरा फायदा चार पांच लोगों को हो रहा है। वो लाखों करोड़ रुपए कर्जा ले सकते हैं, उनका एक सेकंड में कर्जा माफ हो जाता है। और अगर हमारा किसान 50,000 रुपए का कर्जा माफ करना चाहे, 1,00,000 रुपए का कर्जा माफ करना चाहे, तो ये लोग उसका कर्जा नहीं माफ कर सकते। हमने आपसे वायदा किया था, आपको याद होगा कि किसानों का कर्जा माफ होगा, याद है आपको? किया ना? तो जो हम कहते हैं हम करके दिखा देते हैं। हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा, 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आज हम चाय पी रहे थे सुबह, किसान के घर में हमने चाय पी, किसान आया मुझसे गले लगा और मुझसे कहा कि राहुल जी, आपने हमारा कर्जा माफ किया, आपने हमने हमारी जिंदगी बदल दी, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और ऐसे 22 लाख लोग हैं। 8 लाख किसान हैं राजस्थान में जिनको बिजली का बिल देना नहीं पड़ता, एक रुपया नहीं देना पड़ता।
और चिरंजीवी योजना के बारे में तो आप जानते हो, जानते हो 28 लाख बेनिफिशियरीज को 10 लाख रुपए का बीमा, कोई भी बिल्कुल फ्री, कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, दिल का ऑपरेशन करवाना हो, कैंसर का इलाज करवाना हो, ट्रांसप्लांट करवाना हो, राजस्थान में आपको फ्री में करवाते हैं हम लोग। और पहले गांव में मनरेगा होती थी, राजस्थान पहला स्टेट है जहां पे अब शहरों में हम मनरेगा जैसी योजना लाए। ठीक है, मगर तो हम जो कोशिश कर सकते हैं, ये काम हमने छत्तीसगढ़ में भी किया, मध्य प्रदेश में भी किया, पंजाब में भी किया था, हम जो कर सकते हैं हम करते हैं। मगर दुख की बात है कि जो दिल्ली की सरकार है वो गरीबों पर, छोटे व्यापारियों पर, किसानों पर, मजदूरों पर 24 घंटा आक्रमण करती है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, आपके स्टेट का उदाहरण देता हूं। यहां पे आपका सिंचाई का प्रोजेक्ट था 13 डिस्ट्रिक्ट्स में पानी देने का, ईआरसी, ठीक है, ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट, जिससे 13 डिस्ट्रिक्ट्स को सिंचाई का और पीने का पानी मिलता। स्टेट की सरकार ने 9,500 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए अलग रखे। अब प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि इसी प्रोजेक्ट को वो नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। कितनी बार किया था वायदा? दो बार अपने भाषणों में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को वायदा किया था कि ये जो सिंचाई का प्रोजेक्ट है इसको हम नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको हम पूरा करेंगे। उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और अब जब राजस्थान की सरकार अपने पैसे से प्रोजेक्ट को बनाना चाह रही है तो हमारी सरकार को प्रोजेक्ट बनाने से रोक रहे हैं। तो यह है हालत और नफरत और हिंसा के बारे में तो आप हर रोज देखते हो। देश को बांटने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो ये तीन लक्ष्य हैं यात्रा के, नफरत और हिंसा के खिलाफ खड़ा होना, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ खड़ा होना, और जो हमारे गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनकी बात सुनना और समझना। देखिए अभी मैंने 10 मिनट भाषण दिया है, गहलोत जी ने 5-7 मिनट बोला, सचिन ने 5-7 मिनट बोला, सुबह 6 बजे से हम पैदल चल रहे हैं, घंटों चले हैं, हम बोलते नहीं हैं, हम आपकी बात सुनते हैं। हमारे पास जो भी आना चाहता है आ जाता है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, माताएं बहनें, मनरेगा के मजदूर, छोटे दुकानदार, जो भी इन सड़कों पे हमसे बात करना चाहते हैं आ सकते हैं, आ जाते हैं। देखिए ये लड़की हाथ उठा रही है, ऐसे जाके अभी हम बात करेंगे। जो भी बात करना चाहता है आता है, हम प्यार से उनकी बात सुनते हैं, 7-8 घंटे सुनते हैं और फिर अंत में अपनी बात 15 मिनट के लिए रखते हैं। आपने इतना समर्थन दिया, इतना प्यार दिया, मैं आपको मतलब बता ही नहीं सकता हूं।
और सिर्फ राजस्थान में नहीं, हर स्टेट में। मैं आपको बता नहीं सकता कितने लोगों ने हमारी मदद की, कितने लोगों ने पानी दिया, कितने लोगों ने चाय पिलाई, कितने लोगों ने, जो हमारे लोग गिरे, किसी को चोट लगी, कितने लोगों ने मदद की, पट्टी बांध दी, अस्पताल तक ले गए। तो पूरे हिंदुस्तान ने इस यात्रा की मदद की है, प्यार दिया है। तो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और आपका एक बार फिर, रात के समय आप आए, एक बार फिर आपको इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।